हरी हर, जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। स्वागत है आप लोग का हमारे नए व्लॉग में। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम इडली बनाकर ले जा रहे हैं बेचने के लिए। सुबह 5 बजे से हम इडली बनाना शुरू कर देते हैं और 7:30-8 बजे तक हमारा इडली बन जाता है। और 2 दिन से हम दरबार के सामने, जो मेन गेट है उसके सामने हम अपना स्टोर लगा रहे हैं। और पिछले 1 हफ्ते से हमने इडली नहीं बेच रहे थे क्योंकि हमें रूम शिफ्ट करना था और थोड़ी परेशानी भी थी, जिसकी वजह से हम 1 हफ्ते के लिए बंद किए थे। लेकिन पिछले 2 दिन से हमने वापस बेचना शुरू कर दिया है। और इस बार इडली का जो स्टॉल है ये भी हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले माँ के गेट के सामने बेच रहे थे, अब बाबा जी के गेट के सामने हम बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। इडली बेचने के बाद घर पर आके साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये साफ़ सफाई हो जाने के बाद वापस फिर शाम को इडली का बैटर रेडी करना स्टार्ट कर देंगे। और अब बाबा जी के गेट के सामने हम बेच रहे हैं, तो आप लोग आइएगा तो आसपास में आप लोग को दिखेंगे, कहीं माँ के गेट के सामने, कहीं बाबा जी के गेट के सामने, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। आज सोमवार का दिन है और आज नागपंचमी भी है। नागपंचमी गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। नागपंचमी के दिन गांव के लोग झूला डालते हैं और झूलते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। अभी हम भी गांव में चलेंगे इंजॉय करने के लिए। अभी थोड़ा साफ़ सफाई करके रख ले, बर्तन साफ़ कर ले। ये हमारा नया वाला जो घर है, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मिट्टी का है लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। चलते हम लोग गाँव में, थोड़ा लेके चलते हैं वहाँ पे। देखो यार, आज नागपंचमी है और पीछे आप लोग देख सकते हैं बच्चियां झूला डाल के झूल रही हैं। और गांव में ये परंपरा है कि नागपंचमी के दिन लोग झूला डाल के झूलते हैं और घर के सामने गोबर से लीपते हैं। ऐसी परंपराएं हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है देख के। और 2-3 जगह यहाँ पे बच्चियाँ झूला डाल के झूल रही हैं और जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी को बहुत बड़ा ये पीपल का वृक्ष है और उसी के नीचे बच्चियाँ झूला डाल के झूल रही हैं। और पीछे का व्यू आप लोग देखोगे ना, बहुत सुंदर, एकदम गांव का आप लोगों को फीलिंग आएगी। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, आज नागपंचमी का दिन है। सवेरे यानी सुबह के समय हमने इडली का स्टॉल डाला था और आज सोमवार भी है और सोमवार के लिए नागपंचमी का दिन भी पड़ा है, तो शाम को हम लोग नहीं डालेंगे अपना इडली का स्टॉल, क्योंकि व्रत रहता है लोगों का, तो व्रत के दिन थोड़ा कम लोग खाएंगे, इसीलिए हम लोग नहीं डाले हैं। और थोड़ा हम लोग गांव का आनंद लेने जा रहे हैं। पीछे आप लोग देखोगे जितेश जी अपना चटाई बिछा के सो रहे हैं, क्योंकि सुबह से यहाँ पर लाइट नहीं है। लेकिन फिर भी गांव में लाइट नहीं होने का अपना एक अलग आनंद है। इतना मतलब हवा चलता है यहाँ पे, पेड़ के नीचे आप चले जाओ, इतना सुकून, इतना अच्छा आनंद आता है ना, क्या बताएं आपको। देखो यहाँ पर ये कनेर का फूल है और इस पर सफ़ेद वाला, देखो सफ़ेद वाला पुष्प है, है ना, ये बाबा को हमारे बहुत प्रिय पुष्प है। तो ये ऐसा सीन देखने को मिलता है, देखो कितना सुंदर। पीछे हमारा घर आप लोग देख सकते हैं, पीछे वाला हमारा घर है। और थोड़ा हम चलते हैं, हम भी थोड़ा झूला उला झूलते हैं। बेटा हम भी झूलेंगे, मैं भी झूलने जा रही हूँ। हाँ चलो ना, झुलाओ ना। अरे वाह बाबू, छोड़ दो तो हम भी झूले। ये देखिए मैं भी झूला झूल रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे बैठे हुए, गांव के लोग खड़े हुए हैं, बारी बारी सभी झूला झूल रहे थे और मैं भी झूला झूली, बहुत अच्छा लग रहा था। देखना कितने ज़ोर ज़ोर से झूल रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा स्पीड तो यहाँ के बच्चे लोग झूल रहे थे। 2 बच्चे एक साथ में खड़े हो जाते हैं, बहुत ही आनंद आ रहा था। इस तरह गांव में नागपंचमी मनाई जाती, और गांव में हर गांव में ये झूला लोग डालते हैं गाँव के लोग और झूलते हैं। औरतें बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, मैंने भी इंजॉय किया। ये आप लोग देख सकते हैं हमारी नई दोस्त बिट्टी, नाम का है, बोलो बोलो ना, नहीं बोलोगी, दोस्ती नहीं करने लायक। ये बिटिया है गांव की जो आ रही थी दोस्ती करने,
दोस्ती करने के लिए, लेकिन वीडियो जब चालू की तो शर्मा के भाग गई। और ये देखो, ये है पतिदेव जो सोए हुए हैं, पीपल का वृक्ष है और ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का मौसम है। और ये देखो खुला एकदम मैदान, आपको खेत दिखेगा। और यहाँ पे ये टिबुल, क्या बोलते हैं इसको, पंप लगा हुआ है पानी खींचने वाला, बोरिंग। बहुत सुंदर प्रकृति के बीच में है हम लोग, है ना, प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति से ज़्यादा जुड़े हैं। और उधर देखोगे भैंसिया बैठी है, और हम लोग इधर गांव का एकदम खूब एकदम देसी, एकदम जो आनंद होता है गांव का, देसी आनंद कह सकते हैं, ले रहे हैं। देखो यहाँ पे ना इतना गर्मी, इतना पसीना होने के बाद मेरा चेहरा देखो आज थोड़ा ग्लो कर रहा है, नहीं लग रहा आपको? इतना मेहनत की हूँ सुबह से, कोई क्रीम पाउडर नहीं, कोई मेकअप नहीं, ये प्रकृति की खूबसूरती है। मैं कैसी लग रही हूँ, सोया हूँ क्योंकि पीपल के झाड़ के नीचे सोने का सौभाग्य ये मुझे पहली बार प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं सो के यहाँ की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही आनंदमय ऊर्जा है। हवा इतना मस्त ठंडा बह रहा है, पूरे गांव में गर्मी चल रही है लेकिन यहाँ पे इतना मस्त ठंडक है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ माँ के गोद में। और देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, बाबू क्या कर रहे हैं, लिपने जा रहे घर, आज गोबर से लिपते हैं ना, नागपंचमी के दिन अब पूरा घर जो है गोबर से लिपा जाता है, नाग का कुछ सेप बनाया जाता है, पता है, कलर गेरू आता है, गेरू से गोबर से सब लिपा जाता है। ये सब जो परंपरा है ना, ये सब बहुत पुरानी है, ये दिव्या जो हम लोग भूल चुके हैं, मैं तो भूल चुकी थी, तो यहाँ पे आने के बाद वापस बचपन में सब देखी थी, गांव में एक बार गई तब तो कुछ कुछ याद था, लेकिन ये देखने के बाद ताज़ा एकदम यादें ताज़ा हो गई हैं। और ये सब करना चाहिए, ये सब हमारा संस्कृति है हमारी। ये बच्चा कर रहा है, एकदम लगा हुआ है। बाबू नाम क्या है? हाँ? अभिनंदन, नाम भी कितना सुंदर है, अभिनंदन। तो दोनों मिल के लिप लोगे, चाची लिपेंगे, कहाँ लिप, हाँ सान रहे हो, तो इसे गीला हो जाएगा फिर लिपेंगे ना, ये देखो अभिनंदन कैसे जुगाड़ कर रहा है, ये घर लिपना है, घर लिपना मतलब जो खाली जगह दिख रहे हैं ना इसको लिपना है, ये सब लिपेंगे इससे। और आज नागपंचमी है तो ये देखो कितना सुंदर, सब बच्चे लोगों की छुट्टी है, सब लोग अपना आनंद में झूला उला झूल रहे हैं यहाँ पर। बाबू छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी है, अच्छा है? ये देखो मैं भी जा रही हूँ झूला झूलने के लिए, मैं भी जा रही हूँ झूला झूलने, फिर से वापस झूला झूलूंगी। बेटी हम भी बैठ जाए बगल में, मैं भी बैठ जाओ। ये देखो यहाँ पे घास कट रहा है, कुछ कुछ ही घर है यहाँ पे जहाँ हम लोग रहते हैं, कुछ कुछ ही घर है, लेकिन इतना आनंद आता है ना, पूरा मैं जैसा चाह रही थी घर, बाबा ने वैसे ही जगह पूरा भेजा है, पूरा मिट्टी का घर और गांव के एकदम देसी लोग, एकदम अच्छे सपोर्टिव, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर आनंद आ जाता है इनके बीच में रह के। देखो वहाँ पर थोड़ा सा ना गोबर से लिपा हुआ, कितना क्लीन दिखता है, और यहाँ की मिट्टी सफ़ेद रहती है तो और सुंदर लगता है देखने में।
लाइट आ गया है तो हम लोग जा रहे हैं पानी भरने के लिए। झूला हम लोग झूल लिए, बहुत आनंद आया गांव के बच्चों के संग, गांव के लोगों के संग। नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हमें भी झूला झूलने का सौभाग्य मिला और ये हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ। तो कितना सुंदर व्यू है, कैसा लग रहा आपको? नाग चटाई नहीं पड़ी है? हाँ ठीक है ठीक है। नागपंचमी के दिन इस तरह का खेल खेलते हैं, खेल का नाम तो नहीं पता है लेकिन मेरे ख्याल से लंबी कूद या ऊंची कूद ऐसा होता होगा। अखाड़ा भी लड़ते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। जा रहे थे हम लोग अपना सामान खरीदने के लिए तो रास्ते में खड़े होके हम भी इसे देखने लगे, बहुत आनंद आ रहा था देख के। देख फंस के जो लोग पूरी तरह से पार कर जा रहे थे, कूद जा रहे थे, वो जीत जा रहे थे। आज के दिन पूरे गाँव में चहल पहल, डीजे बजाना, बैंड बाजा बजाना, ऐसा बड़ा अच्छा माहौल आज के दिन हुआ था। और जो भी कच्चे घर हैं वहाँ पे गोबर से गेरू से इतना अच्छे से लिपे थे। पीछे आप लोग देख सकते हैं जितने से पेट्रोल भरवा रहे हैं। हम लोग गए थे मार्केट सनीगवा, कुछ साग सब्जी खरीदनी थी और कुछ राशन भी खरीदना था जो हमने खरीद लिया है। और अब जाएंगे तो कल इडली की तैयारी करना है, तो अभी जाके सारा बैटर हम रेडी करेंगे फिर तो सुबह बेचेंगे। ये हमारी लाइफ, हमारी दिनचर्या जो आप लोग को दिखा रहे हैं। और ये दरबार से जो हम लोग आते हैं ना, तो ये पेट्रोल पंप पड़ता है। और आज नागपंचमी है तो पूरा हर जगह धूमधाम एकदम चहल पहल हुआ है, गाना डीजे वीजे सब बज रहा है हर जगह, एक आनंद का माहौल है। मतलब गांव में नागपंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत ही धूमधाम से। चावल और दाल पिसवाने आई हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट चली जाती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले से थोड़ा पिसवा के रख दूँ चावल, ताकि लाइट भी चली जाए ना तो इडली हम बना सके। तो यहाँ पर देखो थोड़ा दरदरा चावल मैं पिसवा रही हूँ। और इस वीडियो को भी यहाँ पे एंड करते, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी को हरी हर।